हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योगदास फूडू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टार्टर में खाने वाली डिश चिली मशरूम। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम मशरूम लेंगे। उनको हम नीचे की तरफ से हल्का पतला सा काट कर हटा देंगे और इसी तरह से सब कट कर लेंगे। इसको हम बाद में वॉश करेंगे। मैंने इसी तरह से सारे कट करके ले लिए हैं और उसमें एक चम्मच आटा डालेंगे और उसको हल्के हाथों से रगड़ कर उसके ऊपरी परत को हम हटा देंगे। एक एक करके सारे ऐसे ही रगड़ कर साफ कर लें। अब हम इसको पानी से साफ करेंगे। एक कप पानी डालेंगे और हल्के हाथों से रगड़ कर हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक कप पानी हम फिर डालेंगे और अच्छी तरह से फिर से रगड़ कर साफ कर लेंगे और फिर हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक क्लीन तावल लेंगे, उसमें हम मशरूम को सुखा लेंगे। इसको सुखाने से सब्जी में मॉइस्चराइज़र नहीं रहेगा ज़्यादा। और ये देखिए, मैंने इस तरह से मशरूम को सुखा लिया है। चलिए चलते हैं, अब सब्जियां कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मशरूम को कट कर लेंगे। मशरूम को बहुत छोटा पीस ना करें, सिर्फ दो ही पीस करें। इससे सब्जी में मशरूम नज़र आएगा, वरना नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने सारे मशरूम ऐसे ही कट कर लिए हैं, आप भी इसी तरह से कट कर लें। ये देखिए, मैंने चार बड़े साइज के प्याज स्क्वायर शेप में कट करके रख लिए हैं। इसके अंदर के जो छोटे छोटे पीस है वो हम दूसरी सब्जी में यूज करेंगे। ये एक शिमला मिर्च है, इसको भी हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे, ज़्यादा छोटे पीस नहीं करेंगे। एक स्लाइस के तीन या चार ही पीस करेंगे। इस तरह से आप भी कट कर लें। 7 से 8 लहसुन की कली बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रख लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही बटर डालेंगे। अब उसको हम मेल्ट होने देंगे। सारी कटी हुई सब्जियों को हम बारी बारी से फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने में मुझे 1 से 2 मिनट ही लगा है। ये देखिए, अब फ्राई हो गया है। अब हम एक बर्तन में इसको खाली कर लेंगे। इसी तरह से हम शिमला मिर्च भी फ्राई करेंगे। उसको भी चलाते हुए 1 से 2 मिनट मुझे लगा है फ्राई करने में। हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस इतनी देर ही फ्राई करेंगे। अब हम इसे भी एक बर्तन उसी बर्तन में खाली कर लेंगे और अब हम मशरूम फ्राई करेंगे। अगर आपके पैन में बटर और ऑयल कम हो तो आप फिर से उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मशरूम फ्राई करें। मशरूम को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें, लमसम 70% ये फ्राई हो जाए। ये देखिए, फ्राई हो चुका। मैंने सारी सब्जियां एक प्लेट में निकाल ली हैं। सेम पैन में ही हम फिर से बटर डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसको हम मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को हम इतना भूनेंगे कि उसका कच्चापन बस चला जाए, सुनहरा और काला ना होने दें। इसके बाद हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसको भी 2-3 सेकंड तक ऐसे ही चलाकर पका लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, उसको 1-2 बार ऐसे चलाकर पका लेंगे। उसके बाद हम टमाटो सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। सारी चीज़ों को डालकर और अच्छी तरह से चलाते हुए
एक मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से पक जाने के बाद अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को डालकर फिर से चलाते हुए पकाएंगे और इसमें नमक नहीं डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, इसलिए मैं नमक नहीं डालूंगी। इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच पेपर डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, देखिए अच्छी लग रही है सब्जी, महक भी अच्छी आ रही है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको स्टार्टर में चपाती या राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।